हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जल्दी बनने वाला सैंडविच और बहुत ही हेल्दी है। जो तो मैंने एक गाजर लिया है, एक खीरा लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और छिलका उतार लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो मैंने कद्दूकस है वो बड़े वाला लिया है, हमें बारीक वाला कद्दूकस नहीं लेना है, उससे ही बिल्कुल ही बारीक बनता है और पानी पानी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने बड़े वाला कद्दूकस से दोनों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और अभी इनको मिक्स करके इसका हम जो पानी है वो निकाल लेंगे। मैं हाथ से इसको निचोड़ लूँगी। अगर इसका पानी है वो भी बहुत ही हेल्दी होता है, हम नमक डाल के बच्चों को दे देंगे तो ये बहुत ही टेस्टी भी होता है, साथ में हेल्दी होता है। इसके हमें दोनों चीज़ यूज़ में हो जाएंगी। तो अब इसका पानी मैंने अलग कर लिया है और अभी इसके अंदर मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी। मैंने मेयोनी ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने मिर्च ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड किया है। आप चाहे तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं, बिना मिर्च के, बिना नमक मिर्च या कोई मसाला के भी ये सैंडविच बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही हेल्दी बनते हैं। और छोटे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आप टिफ़िन में इसको डाल के देंगे तो यकीन मानिए बच्चे बहुत ही अच्छे से खा के आएंगे और बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और बनता भी फटाफट है, 2 से 3 मिनट लगते हैं बनने के लिए। और अभी मैंने ब्रेड है वो ताज़ा लिया है, इसकी किनारी मैंने चारों तरफ से अलग कर दिया और चारों ब्रेड को मैंने चारों तरफ से कोना काट के अलग कर लिया है। और अभी अच्छे से मेयोनी को हम अच्छे से मिक्स करके इसका मिश्रण को जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसको हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैंने चारों ब्रेड बराबर बराबर रख लिए हैं। अब 2 ब्रेड में हम मिश्रण को अच्छे से फैला लेंगे, बिल्कुल किनारा भी नहीं छूटना चाहिए। और इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होता, आप ज़रूर बना के ट्राई करें, बच्चों को ज़रूर बना कर दें। ये बहुत ही हेल्थी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है। अब आप देख सकते हैं मैंने मिश्रण को अच्छे से फैला लिया। अब इसको हम कवर कर लेंगे और देख सकते हैं कितना ताज़ा ब्रेड भी बिल्कुल ताज़ा है। बिल्कुल ये जैसे मैकडॉल में खाते हैं ना, वैसा सैंडविच बनकर तैयार होता है। और अब इसको मैंने बीच में से काट लिया तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, खाने में तो आप यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। बच्चे बार बार मांगेंगे खाने के लिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।